Hi everyone, welcome, welcome back. Actually in this video I am going to discuss about CV resume and all doubts of freshers related to CV and resume. Like kitne page ka resume banaye किस वेबसाइट से resume बनाएँ और resume बनाते समय कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखें। Everything I will discuss and also कुछ-कुछ important tips in this video. तो पहले समझते हैं ना कि रिज्यूमे सीबी होता क्या है? और दोनों कैसे है तो देखो दोनों जो है इंटरचेजेबल वर्ड है इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है आप समझ सकते हो सी जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है फुल हिस्ट्री ऑफ योर एकेडमिक क्रीडेंशियल दैट मीन्स आप अब जैसे आप कॉलेज में हो आपने अभी तक जो जो कुछ भी किया जो जो स्किल सीखा है सब कुछ को सी में डाल दो जी हाँ सब कुछ को इसीलिए तो सी का जो पेज लिमिट होता है ना ये कोई डिसाइडेड नहीं होता है। आप फोर पेज का बना सकते हो एट पेज का बना सकते हो टेन पेज का भी सी बना सकते हो यही है सी और जो रिज्यूमे होता है या एक जॉब ओरिएंटेड होता है, इसमें आपको सारे डिटेल डालने की जरूरत नहीं होती है या max max, के ही होते हैं, और देखो सिमिलई तो का जो होता है ना वह बोथ कंसिस्ट ओवर व्यू ऑफ एक्म्प्लिसमेंट एंड एक्सपीरियंस और आपका स्किल को ये कंसिस्ट करते हैं सिमिलरिटीज अब आते हैं कुछ रियल टाइम प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं जैसे मेरे को बहुत सारे बच्चों का टेक्स्ट आता है कि भैया मैंने सेंचर में अप्लाई किया था आज से फाइव मंथ सिक्स मंथ पहले तो देखो किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा जो अप्लाई से इंटरव्यू तक का प्रोसेस में टाइम लगता है पाँच मंथ छः मंथ तो जब अप्लाई करते टाइम आप जब रिज्यूम डालते हैं बोलते हैं कि उस रिज्यूम में हम लिखे थे कि आई एम एक्सपर्ट इन पाइथन बट नाउ आई एम एक्सपर्ट इन जावा तो कैसे वे उसको हैंडल करेंगे उसमें तो हमसे पाइथन का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देखो ये जो बड़े बड़े कंपनी में होता है ना इसका थोड़ा सा भी इशू चिंता करने के बाद नहीं है कौन सा रिज्यूमे दे दिए हो क्या दे दी हो इसमें जो गेम चेंजिंग पॉइंट होता है नाइन्टी परसेंट की बात करें कि जब आपका इंटरव्यू होता है तो आप एक इंट्रो देते हो उसमें बोलते हो आई हैव अ किन इंटरेस्ट इन जावा लैंग्वेज डेटाबेस जो भी बोलते हो क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि जो रिज्यूम दे दिए हो वही आपका फिक्स हो गया इसको थोड़ा सा भी टेंशन लेने की बात नहीं है जो भी हो उसको इंट्रो में बोलो वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा और फिर आते हैं कि एक एक टिप्स दे दे रहे हैं ना देखो क्या होता है एक ना सबको मैं सजेस्ट करता हूँ जैसे आप लोगों के पास होगा ही एक प्रोफेशनल मेल आईडी बनाइए जैसे मेल आईडी अच्छा अच्छा जैसे जो, अब जो भी मिले अमित कुमार वन फोर फोर एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ऐसा नहीं कि अभिनव राज लव्स पापा की परी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम एक प्रोफेशनल मेल आईडी डी बनाना चाहिए क्योंकि जब आप स्टार्टअप कंपनी या किसी इंटर्न बेसिकली किसी इंटर्नशिप में भेज रहे हो ना तो थोड़ा अच्छा मेल आईडी नहीं रहता है आपका ये सब मेल आईडी रहेगा तो रिप्लाई भी नहीं करेंगे आपको फिर आता है कि कितने पेज का रिज्यूम बनाए अगर हम फ्रेशर्स हैं कॉलेज स्टूडेंट हैं तो कितने पेज का रिज्यूम बनाए तो सिंपल एक पेज का रिज्यूम बढ़िया बनाओ एक पेज का रिज्यूम एन एफ एम कैसा रिज्यूम बनाए देखो ये आप सबको दिख रहा है ये रिज्यूम ये सब रिज्यूम ये एक पेज का रिज्यूम है ऐसा रिज्यूम मैं बता दूंगा कि कहाँ से बना सकते हो लिंक भी दे दूंगा ये सब रिज्यूम देखो वन पेज रिज्यूम है ऐसा ऐसा रिज्यूम बनाओ सबसे बेस्ट रहेगा तो फिर ऐसा ऐसा रिज्यूम कहाँ से बनाएं? तो इसके लिए बहुत सारे वेबसाइट होते हैं और उसके लिए आपको कोई भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं लाइक कैनवा तो बोलोगे कैनवा में तो पैसा लगता नहीं देखो कैनवा में कुछ फ्री होते हैं प्रो के लिए पैसा लगता है तो फ्री बनाओ ना बहुत सारे फ्री हैं वो एन है माई परफेक्ट रिज्यूम से बना सकते हो रिज्यूम बिल्डर से बना सकते हो नोवा रिज्यूम से बना सकते हो बहुत सारे वेबसाइट है मैंने कैनवा से बनाया था उससे बने हो तो देखना ना गूगल में जाकर थ्री डॉट पर क्लिक करने का नोट पैड होगा नहीं वो वर्ड का होगा उस पर देखना रिज्यूम पे सिलेक्ट करके उस पर बना देना वो ध्यान देने वाली बात है वन पेज का रिज्यूम होना चाहिए दैट सेट और रिज्यूम देखो रिज्यूम बना रहे हो ना तो जॉब डिस्क्रिप्शन देख कर रिज्यूम बनाओ एक रिज्यूम अपना फिक्स कर दो कि चलो सारे मल्टीनेशनल कंपनी के लिए जो फ्रेशर्स लेवल पर ओपनिंग करेंगे उसके लिए हम ये रिज्यूम रखेंगे दैट्स इट और देखो स्टार्टअप कंपनी होती है बहुत सारे कंपनी जो हायरिंग करती है जो रिज्यूम बेसिस पे आपको लगे कि हायरिंग करें तो उसका जॉब का ओपनिंग देख के उसमें जो जो स्किल्स की जरूरत हो वो स्किल्स दो एक ही पेज में रिज्यूम बनाना है तो ज्यादा क्या दोगे देखो कंपनी बोला है कि मुझे एंड्रॉइड डेवलपमेंट की जरूरत है तो वही डालो ना उसको ये मत बोलो कि इन बोलोग लैंग्वेज का बात मत करो जो भी हो जॉब ओरिएंटेड बनाओ और देखो कौन कौन सी बातें हैं जो डालना ही है प्रेशर हो तो आपने कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कॉलेज में किया है उसमें एक्टिव हो तो उस बात को उसमें डालो ही डालो एकदम वो नो मैटर कि आपका किस जो ओपनिंग है मैच नहीं अगर उसका कोई मतलब नहीं उसको डालो ही डालो सब बात को कोई भी प्रोजेक्ट किया है उसको डालो ही डालो प्रोजेक्ट डालना बहुत जरूरी है इंटर्नशिप किया है उसको भी डालो ट्रेनिंग किया है और कोई भी कुछ एक्स्ट्रा किया है तो उस बात को डालो वो मैटर नहीं करता कि ओपनिंग पे उसको देखना है कि नहीं लेकिन आप अपना डाल के रखो और इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट्स रिलेटेड टू रिज्यूमे सी और एनीथिंग यू कैन डायरेक्टली टेक्सट मोन इंस्टाग्राम एज भारद्वाज अमित अंडर स्कोर थैंक यू